फ्रेंड्स यही मजा लेते लेते हम आज जा रहे हैं कहाँ? मुंबई। मुंबई मेरी जान। बहुत ही देखो ग्लास के ऊपर भी पानी हट नहीं रहा है, तुरंत दूसरा पानी आ जाता है, इतना हैवी है। एकदम 45 के बीच आ गई है, 50 से 60। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग अभी बजे हैं 7:15 और हम लोग कहाँ पे हैं ये देखिए। ये है हमारा नाश्ता, पोहा, इदड़ा, खट्टा मीठा और मकई वाला, मतलब कॉर्न वाला इदड़ा। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मुंबई, तो करते हैं यहाँ से दिन की तरह। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ कल्पना और आप देख रहे हैं कल्पना सोलंकी ब्लॉग। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो आज तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मुंबई। और ये है हमारे रॉकी भाई। क्या रॉकी भाई? ये रॉकी भाई हमारे साथ मुंबई जा रहे हैं, मुंबई। और ये है हमारे देवर साहब। और ये है मेरी ननद। ये देवर साहब जो है हम बहुत ही शर्मीले हैं। बहुत शर्माते हैं लड़कियों की तरह, लेकिन कांड भी बहुत करते हैं। कांड तो होने ही चाहिए ना भाई। चलो जय गणपति गजानन। अजय तो पोहा लाई वाला पोहा पोहा गाड़ी चलाएगा? चलाएगा उस्ताद। कैसे चलाएगा तो गाड़ी? दौड़ाएगा उस्ताद। इसको कुलाएगा तो नहीं ना इसके ऊपर से? वो कह नहीं सकते, वो पक्का नहीं है उस्ताद। वो नहीं चलेगा जमुरे। डम 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 डम। तो फ्रेंड्स यही मजा लेते लेते हम आज जा रहे हैं कहाँ? मुंबई। भाई में भाई तू फिकर ना कर, उसकी माँ की उसकी बहन की जो जाए आगे समझ ले। नहीं भाई, वैसे हम लोग बहुत शरीफ आदमी है, दिखते नहीं है। ये तो थोड़ा दाढ़ी वाड़ी का अभी शौक बढ़ा है थोड़ा कर, बाकी तो बहुत अच्छे हम लोग इंसान है। सुबह 5 बजे से घर से निकले हुए, 4:30 बजे उठ गए थे और जैसे तैसे इतना फुल ट्रैफिक में कहाँ पहुंचे भाई जान। अभी हम राकी भाई पता नहीं यार, मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ विरार, विरार, विरार आने वाला है। विरार के नजदीक ये मेरा फेवरेट रोड है वैसे, यहाँ पे ऐसे जो ट्विस्ट और टर्न्स है, हम लोग जो पहाड़ का जो सीन है ना, एक नंबर है भाई। महाराष्ट्र में तो कभी कब के आ चुके हैं, अभी विरार पहुँचने वाले, थोड़ी देर में फाउंटेन पहुँचेंगे वहाँ पे थोड़ा जाकर अच्छे नजारे हम आपके पास लेते आएंगे। हाँ, ये हमारे नए ब्लॉगर को थोड़ा दिखाया जाए, थोड़ा कैमरा उनके ऊपर भी फोकस डाला जाए। बताइए बताइए इसको, इसमें क्या दिखाई दे रहा है मेरे को कुछ आइडिया नहीं है सही में। वो सब आप देख लेना, मैनेज कर लेना। बाकी बढ़िया चल रहा है, अभी मस्त चल रहा है गाड़ी भी। हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको मुंबई की सैर करा रहे हैं हमारे साथ। और हम उन लोग मुंबई जो जा रहे हैं उसके बाद में, मतलब पहला काम है मेरा दवाई लेने जाना, उसके बाद में दूसरा बड़ा वाला काम, बड़ा वाला धमाका करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा धमाका, एक भाई की जिंदगी चेंज करने वाले हैं भाई हम। हाँ। एकदम फुल टू फिनिश नई लाइफ। हाँ। वो सब चीज देखने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, तो आप ब्लॉग कंटिन्यू कीजिए। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो हमारी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, समझ लो राजा। ये देखो ये दूल्हे राजा है हमारे।
इसके लिए दुल्हनिया रेडी है, उसको लेने जा रहे हैं हम। नहीं अभी मिलवाने जा रहे हैं, सॉरी सॉरी, बाद में हम सब जाएंगे वहाँ पे। कैसे जाएंगे वो उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा हमारे साथ कम से कम 15 दिन के बाद। नहीं नहीं 6 महीने, 6 महीने, ओके चलो 6 महीने। वैसे एक दुल्हनिया नहीं है, बहुत सारी दुल्हनिया है वहाँ पे। अभी तो वो स्वयंवर करे ऐसा हो जाने वाला है आज। तो ये तो साला गलत टाइम पे मीका पहुंच गया। और देखो, अरे यार पीछे का कैमरा चालू नहीं कर सकते, चलेगा ना कैमरा, मोबाइल नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है। चलो फिर बाद में मिलते हैं, हम आपसे मिलते हैं। एंजॉय योर सेल्फ, वी ऑल आर एंजॉयिंग हियर, यू आर, वी विश यू ऑल हैव अ लवली डे। So stay tuned with us. Thank you for watching us live. Thank you. Bye. Take care. बस आउट चला कर भाई, हमारे में तो देखो वैरायटी मिलेगी आपको, हिंदी की वैरायटी थोड़ी, गुजराती वाली मिलेगी, गुजराती रापचिक गुजराती मिलेगी, देसी गुजराती मिलेगी, और अंग्रेजी में तो अभी इसने कुछ बोला ही नहीं है बूढ़ा होने। ये बूढ़ा थोड़ा बहुत बोलेगा अंग्रेजी में, बोलो यू नो माय फ्रेंड, व्हेन आई एम इंग्लिश, व्हेन आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, यू नो, या देखो इंग्लिश नहीं आती ना, वी वांट रियल राइट टाइम, यस, इंग्लिश नहीं आती कुछ मत करो, कुछ भी सामने वाला बोलेगा ना, या या इट्स फाइन, गुड, गिव इट अप, नहीं इतना बोलो सिर्फ, पहले पहले जब सामने वाला पूछे तो हाँ या या, फिर जब सामने वाला दूसरा सवाल करे तो नो नो, और जब लास्ट सवाल करे थैंक्स, और जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो बाय 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 टाटा बिल्ला बोल देगा। चलो ऐसे ही मस्ती चलती रहेगी हमारी, तो ट्रैवलिंग टाइम है तो ये टाइम जो है वो ऐसे मस्ती भरे। एक्चुअली राकी भाई का और हमारा इंग्लिश ना मुंबई जाने के बाद 1 घंटे के बाद में शायद चालू हो। अरे एक मस्त मॉडल मेरे को मिल जाए ना तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश की बौछार निकल आएगी मुंह से। मॉडल दिखनी चाहिए अच्छी मस्त वाली, उसके लिए गोवा जाना पड़ेगा। गोवा तो भाई गोवा नहीं, लद्दाख का ट्रिप बन रहा है। वैसे मिलते बाय बाय। जो बाबा के भक्त हो वो थोड़ा अपने आप को संभाल लेना। हाँ। और बाबा वाली स्कीम भी बहुत बढ़िया थी, वो ऐसे वॉलेट दिखा के, कृपा आती है ना, वो कृपा उसकी ही आती है, हमारी किसी की नहीं आती, हमारी जाती है। चलो मिलते हैं दोस्त, कहाँ पे पहुंचे वैसे हम? माउंटेन नहीं, विरार, विरार, विरार आ गए हैं भाई, गोविंदा के गांव पे। चलो फ्रेंड्स तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग महाराष्ट्र में आ चुके हैं और ये महाराष्ट्र की हमारे लिए पहली बारिश। हाँ क्लियरिफाई करना जरूरी है, नहीं तो महाराष्ट्र वाले बोलेंगे बारिश तो कब से आ रही है। बहुत धुआंधार बारिश चालू हो गई है, हमारे रॉकी भाई अभी ड्राइविंग की सीट पर बैठे हुए हैं और सबको डर लग रहा है। आपका क्या कहना है मंत्री जी? दौड़ने की जरूरत नहीं है भाई, घूमने जरूरत नहीं डरने की, जो डर गया समझो क्या गया, मर गया। जब हम दर्शक गण पीछे बैठे हुए ये दिख रहा है। अरे हमारी गाड़ी जा रही है, मैं दिखाऊंगा नहीं कितने पे जा रही है, क्योंकि जिसने जिस टाइम पे एक बंदे ने हम लोग दोनों साथ में थे और मीटर देखा था तो वो हम सब लोगों को मतलब हम दोनों को याद है। देखो अभी मैं कोई मूड में नहीं हूँ, वो मतलब रेसिंग वेसिंग के नॉर्मली जा रहे हैं वो लोग। भाई शांति से चलाओ, एकदम आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम के तो 100 की स्पीड है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। बारिश दिखानी थी आपको, दिखा भाई, मेरे को मेरी जान सबसे ज्यादा प्यारी है, समझ जाओ। कितने सपने हैं ना। हाँ तो यही लाइन हर ट्रक का ड्राइवर बोलता है, मेरे को सिर्फ मेरी जान प्यारी है भाई, बाकी लोग कौन है। अगर मैं सुरक्षित हूँ तो सब सुरक्षित है ना। वैसे भी आप सबने मतलब प्लेन की सफारी तो की होगी ना, फ्लाइंग सफारी, प्लेन की हवाई यात्रा, हवाई यात्रा मतलब, तो
उसमें तो पता है ना कि मतलब वो भी नहीं हम लोग देख पाते कि कौन चला रहा है मतलब। आगे का रोड तो भाई काले मेघा हो गया है। क्या सीन है चुम्बेश्वरी एकदम। ट्रैफिक बहुत लगा हम लोगों को, बहुत देर हो गई आने में। देखते हैं अभी आगे का रूट कैसा है। मस्त है वैसे अभी तो, लवली टाइम सीरियसली। ये मेरी बहन को बहुत टेंशन है, बहुत ही एकदम मोटी वाली बारिश हो रही है। और ये क्या बारिश हो रही है यार, मान गए दोस्त। ये मैंने पहले चालू किया था, मैंने बीच में बंद कर दिया। अरे स्लो करते बहुत ही। देखो ग्लास के ऊपर भी पानी हट नहीं रहा है, तुरंत दूसरा पानी आ जाता है, इतना है। स्पीड एकदम 45 के बीच आ गई है, 50 से 60 के बीच में स्पीड कर ली है मैंने, क्योंकि ये सब लोग फट्टू है, बोल दो। फट रही है, इतनी फट रही है, क्या बोलूं अभी तो। मतलब घर पे बच्चे छोड़ के आए हैं, घर भी तो जाना है हम लोग को। तो किसको बोला था घर पे बच्चा छोड़ने को? नहीं, गाड़ी में इतनी जगह नहीं है ना अभी भाई। इतना हैवी रेनफॉल हो रहा है, देखो कुछ भी दिख नहीं रहा, बहुत ही हैवी है। इसलिए पार्किंग लाइट चालू कर दी है सबकी सुरक्षा के लिए। लेकिन यार कैमरे में क्लीन दिखता है, मालूम है? मेरे कैमरे में भी क्लीन दिख रहा है। लेकिन बहुत जोरदार बारिश है यार, वो बात है, एकदम फुल टू बारिश है। पीछे क्रेटा आ रही है, उसकी एलईडी क्या दिख रही है, मस्त। और मैं और रॉकी भाई मिलके एक नया चैनल खोलने वाले हैं, थोड़े दिन में आपको मिल जाएगा। हाँ। अगर रॉकी भाई का मूड बना तो उसके लिए आप लोग सब मतलब कुछ सोच के रखना, नाम सजेस्ट कर सकते हैं नाम उसके लिए। वो जो चैनल है हमारा, वो दैट इज बिलोंग्स टू व्हीकल्स, ड्राइविंग रिव्यूज एंड ऑल दिस, ऑटोमोबाइल। देखो आगे, बिजली की दीवार नहीं, बूंदों के बाण चला। नए वाला ब्रिज का काम चल रहा है, बहुत जल्दी चालू हो जाएगा तो ये ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी, है ना? ऐसा लग रहा है। लेकिन लेकिन अगर ये ब्रिज बनाने में और 3-4-5 साल लग गए, लग जाएंगे कम से कम 2 साल, तो फिर खत्म। तो उतनी तो गाड़ियां रोड पे नहीं आ जाएगी ना। लेकिन देखो क्या हो रहा है, मतलब मस्त काम हो रहा है। बहुत अच्छा मस्त ब्रिज बन रहा है, फिर डायरेक्ट हो रहा है वो, बढ़िया सन निकल जाएगा। ये हम पहुंच गए हैं फाउंटेन होटल, लेकिन हम लोग हल्के थोड़ी देर पहले ही हो गए, तो अभी जाना नहीं है और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। बहुत ट्रैफिक, ये देखो इको पे मस्त बनाया है, इको पे देखो फैमिली वाला है ना, फादर मदर और दो बच्चे। तो ये हम मुंबई के एयरपोर्ट के एरिया में पहुंच चुके हैं। फंबल ये फंबल की बातों पे मत जाना। सहारा इंटरनेशनल तो ऊपर ओवरब्रिज जाएंगे तो ये देखो ट्रैफिक, देखो कितना ट्रैफिक है भाई, परेशान हो गए हम लोग। कल्पना सोलंकी, गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए, चलिए याद करना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं कल्पना सोलंकी बोल रही हूँ, आपकी होस्ट, आपकी गेस्ट। तू वेंडर संजय हो क्या बोलता है? फिलहाल मुझे अपनी ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर टुक। नहीं तो तुम कंसंट्रेट करने के डुक टुक तो नहीं करोगे, लेकिन लेकिन तुम मालूम नहीं, तुम्हारा हाथ वो राइट साइड वाला कुछ ज्यादा भारी है, उस तरफ ही घुस जाते हो तुम फर्स्ट लेन में। तो रॉकी भाई आपका क्या कहना है, मेरी बहन आपका क्या कहना है, हम लोग एक नाइट रुकने के लिए आए सहारा इंटरनेशनल में। आएंगे क्यों नहीं आएंगे, हम सीधा दुबई जाएंगे, दुबई। ये रहा सहारा इंटरनेशनल होटल और इस पे हमको जाना है एक नाइट रुकने के लिए। भाई कुछ
कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो आपका क्या कहना है मंत्री जी, जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? एक नाइट रुक के आएंगे। एक नाइट रुक के आएंगे। मैं दो दिन के लिए हम लोग मुंबई आएंगे स्पेशली। अच्छा, शनिवार को यहाँ से निकल जाएंगे सुबह नौसाई से। हाँ। और फिर मस्त वहाँ पे सब देखेंगे, गणपति बप्पा का दर्शन करेंगे वहाँ पे जाके, पहले सिद्धि विनायक भगवान का, फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को दो तीन जगह पे ले जाऊंगा, वहाँ पे मजा आ जाएगा आपसे। अच्छा, एकदम घूमने का, खाने के लिए तो पूरी मुंबई है, पूरी मुंबई खा जाएंगे, पूरी मुंबई खा जाएंगे, आमची मुंबई। चलो तो फिर एक नया प्रोग्राम बन गया है, कम बजट वाला, एकदम कम बजट वाला, एक नंबर। उसमें हम मुंबई आएंगे दो तीन दिन के लिए, रुकेंगे, खाएंगे, फिरेंगे और फिर चले जाएंगे। एलिफेंटा की गुफा देखने जाएंगे। हाँ, वो भी जाएंगे। अलीबाग जाएंगे, अलीबाग जाएंगे, एसएल वर्ल्ड जाएंगे। एसएल वर्ल्ड पता नहीं, पूरा दिन निकल जाएगा उसमें। तो क्या हुआ, दो तीन दिन रुकेंगे ना, उतने दिन तो पता नहीं। फिर जॉयस पिज्जा जाएंगे, जॉयस पिज्जा, फिल्म सिटी के लिए भी पूरा दिन चाहिए। लेकिन वो सब सीरियल के एक्टर्स लोगों को देखना पड़ेगा। अरे शायद हम में से किसी को पसंद कर ले एक्टिंग के लिए, वैसे भी आप तो हो। नहीं नहीं भाई, नहीं जाना मेरे को। कलास निकाओ वाला तो डायलॉग लेकर के चालू कर दे रहा है। चलो फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मुंबई का हार्ट, बोलने वाले मुंबई का सबसे जबरदस्त ब्रिज, सीलिंग, वर्ली सीलिंग ब्रिज, अभी जो मुंबई जिससे जाना जाता है ना, जो है मुंबई की नई पहचान, वर्ली सीलिंग ब्रिज, उधर जाने वाले, वर्ली सीलिंग से जा रहे हैं, उधर होते हुए हम लोग आगे जाएंगे। भाई 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 भाई। ये है दुबई, ये है दुबई। वल्ला हबीबी, आओ कभी भी। મિત્રો, તમે આવી ગયા છો આ મુકેશભાઈ ના ઘર પાસે, તમે નહી અમે, સોરી અમે આવી ગયા છે મુકેશભાઈ ના ઘર પાસે, તમે જુઓ। હા તો ફ્રેન્ડ્સ, હમ લોગ અભી આ ગયે હે મુકેશ અંબાણી કે ઘર કે પાસ, ઓર આપકો તો પતા હે કે વો ભી ગુજરાતી ઓર મે ભી ગુજરાતી, ઇસલિયે ગુજરાતી મે બાત બનતી હે મેરે દોસ્ત। તો હમ લોગ શાયદ ઉધર જાયેંગે, ફાફડા જલેબી ખાયેંગે, और अगर मुका भाई मिलता है तो आपको भी मिलाएंगे। मुका भाई तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पास जो आजू बाजू
जो है ना वो सब मुक्केबाज रखे उसने। और ये हमारा जो ड्राइवर है वो इतना कच्चा इंसान है, उसको 10 बार ही बोला कि भाई ये लास्ट वाली रो में मत रखो मत रखो मत रखो, लेकिन हाँ लेकिन उसको पता नहीं क्या है। देखो मेरे को ना ये ब्लैक कलर की जो आगे गाड़ी दिखा उस सबको जिप्ट्रॉन लिखा है, ये नेक्सॉन मेरे को बहुत पसंद आ गई, तो इसलिए मैंने इसके पीछे रख दी गाड़ी। तो ये है अपने मुकेश भाई का घर। મિત્રો આજે આપણા ગુજરાતી મોકલાનું ઘર જોઈ લો તમે, જેને ના જોયું એને જોવાની મજા આવી જશે હો। બાકી કહી છે બધા કે ઉપર હેલીપેડ છે 3-4, પણ આપણી જોડે તો હેલિકોપ્ટર જ નથી, હેલીપેડ પર ક્યાં જાવ બરોબર। બાકી હજા હજા ફૂલ છોડ લગાવેલા છે મોંઘા મોંઘા, હા પણ મને આજ સુધી સમજણ નથી પડી આર્કિટેક્ટ દુનિયાનો હારામાં હારો હતો તો એને લાઈન દોરી કેમ આવી આ રાખી બાર અડધું અડધું અંદર અડધું બાર। તમે કઈ કહો બિરજુભાઈ આવું કેમ કરલું છે આમાં? ઇસકે લિયે અભી ક્યા બોલે યાર, હે આમાં આપણે બોલવા જેવું કઈ નથી, ખાલી જોઈ ને ખુશ થવું। હા ઉપરનો વરહાડ નીચે ની ટેરેસ પર પર, અને એ ટેરેસ નો વરહાડ ઉપની ની નીચે ની ટેરેસ પર પર, આપણો મુકેશભાઈ ખુશ છે ને એની બાયડી સાથે, બસ એનાથી વધારે આપણે ભાઈ તમને કોઈને ખબર પડી હોય કે આવું આર્કિટેક્ટ કેમ કરવામાં આવેલું છે તો અમને જરાક જણાવજો। બરાબર છે, બરાબર તો અમે બી ઘેરે નનલી બંગલી બનાવું, તેમાં નનલે નનલા ટેરેસ બનાવું આવું। હા કુછ બોલેંગે આપ ક્યા કર રહે હૈ? ये जो डिश आई है ना इधर इधर, इसकी खुशबू बहुत जोरदार आ रही है, और मेरे को पता है मुंबई का खाना मतलब पंजाबी पे एक नंबर होता है। अभी देखते हैं कैसा है। ये देखो हमारी बटर नान और ये हमारी सब्जी के मुकाबले कैसी है वो देख रहे हैं। तो पहले हम लोग खाना खाते हैं फिर आपको रिव्यू देते हैं। और हम कहाँ पे बैठे हैं वो भी दिखा दो। और ये है सामने चपाती चपाती। बोलो क्या बोलो, इसकी सॉफ्टनेस देख लो। बाइट मार लिया तो क्या बोलना चाहिए? देखो भूख इतनी लगी है और खाना भी बहुत बढ़िया है, तो मैं कुछ बोलने के लिए नहीं रुकूंगी, मैं सिर्फ खाऊंगी। आप बताइए। एक नंबर। चल भाई खा तो खरो पहले। क्या बात है ये हमारा मुन्ना क्या बोल रहा है? क्या बात है, सभी लोगों ने खा लिया, मैंने तो अभी तक खाया नहीं, टेस्ट ही नहीं किया। ये व्लॉगर हमेशा भूखे रह जाते हैं। व्लॉगर नहीं, व्लॉगर का शूटिंग करने वाला भूखा रहता है। हाँ हेल्पर, व्लॉगर तो खा ही लेता है। हाँ हेल्पर भूखा रह जाता है। कैमरामैन वो सीधी सादी भाषा में उसको हेल्पर ही बोलेंगे। चलो फूड अच्छा है, ज़्यादा शूट करने में जाएंगे तो भूख मैं भूखा रह जाऊँगा। मुंह में इतना पानी आया है खाते खाते। टेस्ट इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, और भूख तो बहुत लगी है क्योंकि अभी बजे है 5। ठीक है, लंच हमने किया नहीं था तो सब ओवर हो गया था, तो फिर खा लिया, क्या करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चौपाटी की सैर कर रहे हैं अभी, सब लोग खाना वाना खा के। ये देखो यहाँ पे पूरा सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ पे बारिश हो रही है, सोचिए बारिश। ये देखिए अभी तो है यहाँ पे धूप, फिर भी हो रही है बारिश। चलनी बंद करनी हमें।